नमस्कार मित्रों मित्रों आज हम चर्चा करेंगे श्रीयंत्र के बारे में। श्रीयंत्र अपने घर पर में स्थापित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, और श्रीयंत्र को किस विधि के साथ में उसको स्थापित करना चाहिए या फिर पूजन करना चाहिए, तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और यंत्र का अर्थ होता है गृह, यानी इसीलिए इसको श्रीयंत्र कहते हैं, यानी लक्ष्मी जी का गृह कहते हैं। श्री यंत्र को भगवती त्रिपुर सुंदरी का यंत्र माना जाता है और इसे यंत्र राज भी कहा जाता है। ऐसे श्री यंत्रों में सैकड़ों देवियों का निवास स्थान माना जाता है। समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा विकास भी इसमें दिखाया गया है। श्री यंत्र अपने आप में यह अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है और आर्थिक उन्नति के लिए, भौतिक सुख समृद्धि के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है ही, यह सभी दृष्टिकोणों से अच्छा ही माना जाता है। इसके तीन आकृतियां होते हैं, भूपृष्ठ, कूर्म पृष्ठ, मेरु पृष्ठ। वैदिक वाग्मय के हिसाब से इस यंत्र को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बारे में योगिनी हृदय में, हरितायन संहिता में, ब्रह्मांड पुराण आदि में बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। मित्रों, श्री यंत्र में कुल 9 चक्र माने जाते हैं और मैं एक एक करके चक्रों का नाम बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सर्व आनंदमय चक्र, जो कि केंद्र में रक्त बिंदु की तरह माना जाता है। सर्व सिद्धि प्रद चक्र, जो कि पीत त्रिकोण आकार का होता है। सर्व रक्षा कर चक्र, जो कि हरित वर्ण के 8 त्रिकोण माने जाते हैं। सर्व रोग हर चक्र, जो कि काले रंग के 10 त्रिकोण माने जाते हैं। सर्वार्थ साधक चक्र, जो कि लाल रंग के 10 त्रिकोण माना गया है। सर्व सौभाग्यदायक चक्र, जो कि नीले रंग का 14 त्रिकोण माना जाता है। सर्व संक्षोभन चक्र, जो कि गुलाबी रंग के अष्ट दलों वाली कमल जैसा माना जाता है। सर्व सापरिपूरक चक्र, जो कि पीले रंग का 16 दलों का कमल जैसा माना जाता है। त्रैलोक्य मोहन चक्र, यह हरे रंग का ब्रह्म स्थल माना जाता है। मित्रों, श्री यंत्र में टोटल 43 त्रिकोण माना जाता है। मित्रों, अभी तक श्री यंत्र 272 प्रकार का प्रकाश में आ चुका है। इसमें बीज शक्ति आदि में हेर फेर करके अलग अलग कार्यों के लिए बनाए गए हैं, जिसमें नीला, पीला, गुलाबी, लाल, काला आदि रंग बताए गए हैं। मेरु पृष्ठ श्री यंत्र में सबसे ऊपर के भागों को 9 नंबर माना गया है और नीचे वाले चक्र को 1 नंबर बताया गया है। श्री यंत्र में ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण अग्नि का तत्व, अधोमुखी वायु का तत्व, बिंदु को आकाश तत्व और भूपुर को पृथ्वी तत्व का प्रतीक माना जाता है। मित्रों, श्री यंत्र को पारा, चांदी, सोना, स्फटिक में बनाने का विधान है। हर गृहस्थ को चाहिए कि वो अपनी दुकान, ऑफिस या पूजा गृह में श्री यंत्र को स्थापित करके रोज प्रतिदिन उनका पूजन करें। श्री यंत्र कलयुग में एक कल्प वृक्ष के समान माना जाता है। आप अगर घर पर में लाकर के स्थापित करना चाहें तो आप ध्यान में रखें, किसी भी गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आने पर में उसको स्थापित किया जा सकता है, या फिर धनतेरस, दीपावली के दिन भी आप जो हैं इसको स्थापित कर सकते हैं। आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने पूजा रूम में आसन लगा करके बैठ जाएं और फिर श्री यंत्र को स्थापित करके उनका विशेष रूप से पूजन करें और उसमें विशेष मंत्रों का प्रयोग करें। मित्रों, जब आप स्थापित करें तो अपने हाथों में स्फटिक का माला लेकर के अगर हो सके आपसे तो 1000 बार इस मंत्रों का जाप अवश्य कर लें। मंत्र रहेगा, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, मैं एक बार फिर से मंत्रों को दोहरा देता हूँ। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इसी मंत्रों का उच्चारण करके, माला जप करके इस यंत्रों को सिद्ध कर लें और रोज पीला चंदन, पीला फूल चढ़ा करके आप पूजन करें। अपने मन की मनोकामना को रोज प्रतिदिन श्री यंत्र के सामने
जाहिर करें। अगर आपसे हो सके तो वहाँ बैठ करके रोज प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ या लक्ष्मी सूक्त का पाठ या फिर दोनों पाठों को आप जरूर करें, इससे विशेष फायदा देखने को मिलेगा। मित्रों, आज के यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम।